तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी, जिस मूवी का नाम होने वाला है एक्सट्रैक्शन 2। अब जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था कि ओवी को बचाने के दौरान टाइलर रेक की गर्दन पर गोली लग जाती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि एक नदी में गिर गया था। इस मूवी में हमें ये नहीं बताया गया था कि टाइलर रेक मर गया है या फिर जिंदा है। अब इस मूवी में हम लोग वहीं से देख पाते हैं कि टाइलर की बॉडी बहते हुए आगे कहीं पर पहुंच जाती है। वहां पर किनारे पर हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लोग टाइलर की बॉडी को बाहर निकालते हैं और इसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बाद जब निक को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही इसको लेकर सीधा दुबई पहुंच जाती है, जहां पर निक को पता चलता है कि ये कोमा में चला गया है। इस बात को जानने के बाद निक काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर आगे हम लोग देख पाते हैं कि इसी तरह से एक महीना बीत जाता है और अब उसे एक महीने के बाद जब टाइलर को होश आता है तो वो निक को गालियां देने लगता है और ये दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं क्योंकि ये दोनों इसी तरह से बात करा करते थे और ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक टाइलर कोमा से बाहर नहीं आया था तब तक यहाँ पर निक ने और साथ ही इसके भाई याज ने इसकी बहुत ज्यादा मदद करी थी और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। अब धीरे धीरे वापस से याज और निक मिलकर टाइलर की बॉडी को रिकवर करवाने में मदद करने लगते हैं। ये इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि ये वापस से चलने फिरने के लायक हो जाए। अब हम लोग जॉर्जिया में इस मूवी के मेन विलन को देख पाते हैं, जिसका नाम है जोराब, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और साथ ही इसका भाई भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसका नाम डेविड है। और ये दोनों इतने ज्यादा बड़े गैंगस्टर हैं कि पुलिस वालों की भी इनसे ऐसी तैसी होती है। पर यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि डेविड अभी जेल में है और कुछ समय में उसकी रिहाई होने वाली थी। ये चीज देखने के बाद जोराब काफी ज्यादा खुश था, पर तभी यहाँ पर ग्रे इसे बताता है कि उसकी सजा को 10 साल आगे बढ़ा दिया गया है। ये चीज सुनने के बाद जोराब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। अब इसी वजह से ये तुरंत ही सबसे पहले गवर्नर के पास पहुंचता है, जिसको ये बहुत सारे पैसे दिया करता था ताकि वो इसके भाई को सुखी रख सके। पर इस बार गवर्नर ने उसके भाई की जरा सी भी हेल्प नहीं करी थी और इसी गुस्से के चलते जोराब उसे वहां पर जान से मार देता है। और वहीं हम लोग टाइलर को देख पाते हैं जो कि धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। इसी वजह से कुछ ही समय बाद निक और याज मिलकर इसको एक सीक्रेट कॉटेज में, जो कि ऑस्ट्रिया में था, वहां पर भिजवा देते हैं ताकि ये लोगों की नजरों से दूर वहां पर आराम से रह सके। यहाँ पर इन लोगों ने इसके लिए एक डॉग को भी लाकर रखा हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं टाइलर को डॉग्स का काफी ज्यादा शौक था। इस चीज को देखते हुए टाइलर को काफी ज्यादा खुशी होती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि निक और याज यहाँ से चले गए थे और अब यहाँ पर टाइलर अकेले रहा करता था। वो कुछ भी कर यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए चीजें जमा करता था और जब इसके पास कुछ पैसे हो जाते थे तो ये बाजार से जाकर सामान ले आता था। और अब ये अभी भी बिल्कुल अपनी पास्ट लाइफ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसे बीच बीच में इसके बेटे के विजन्स आ रहे होते हैं जो कि इससे काफी ज्यादा नाराज था। और कहीं ना कहीं टाइलर को इस बात का खुद भी बहुत ज्यादा अफसोस था कि अपने बेटे के लास्ट समय में वो उसके पास नहीं था, जबकि वो उससे ही अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करा करता था। अब आगे हम लोग इस मूवी के दूसरे विलन यानी डेविड को देख पाते हैं जो कि जेल में बंद है और यहाँ पर इसने अपनी पावर की मदद से अपनी बीवी और बच्चों को भी इसी जेल में बंद करवा कर रखा हुआ है, जहाँ पर इसने इन लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। पर यहाँ पर ये अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करा करता है, पर केट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही यहाँ पर डेविड केट को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता है। अब इस सीन में भी हम लोग देख पाते हैं कि डेविड केट के ऊपर हाथ उठाता है, जिस वजह से वो रोने लग जाती है और डेविड यहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर सैंडो अपनी मॉम को चुप करवाने की कोशिश करने लगता है। वहीं हम लोग वापस से टाइलर को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर इसे पता चलता है कि इसके घर पर कोई आया हुआ है। वो एक आदमी था जो कि इसके लिए एक काम लेकर आया था। टाइलर इस बंदे से इसका नाम पूछने की कोशिश करता है तो वो बंदा इस बारे में इसे कुछ भी नहीं बताता, बस वो इसे इतना बताता है कि मुझे मियाँ ने भेजा है। इस बात को सुनने के बाद टाइलर काफी ज्यादा शांत हो जाता है और अब जाकर हमें पता चलता है कि मियाँ कोई और नहीं बल्कि टाइलर की एक्स वाइफ है। इस बात को सुनने के बाद टाइलर इससे मिशन के बारे में पूछने लगता है। तब ये बताता है कि मियाँ की एक बहन है जिसका नाम केट है और वो जेल में बंद है। उसने कोई क्राइम तो नहीं करा, पर उसका पति डेविड, उसने उसको जेल में बंद करवा रखा है और साथ ही अब केट वहाँ से निकलना चाहती है, जिसमें मियाँ उसकी मदद करने वाली है। और मियाँ जानती है कि इस काम को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। आगे ये बंदा टाइलर को जोराब और डेविड के बारे में बताना चालू करता है कि वो दोनों जब पैदा हुए थे तो उनके देश में एक जंग चल रही थी, जिस वजह से इन्होंने बचपन में ही गलत काम करना चालू कर दिया था, जहाँ पर बचपन में सबसे पहले इन्होंने ड्रग्स बेचे, उसके बाद इन्होंने वेपन सप्लाई करे, जिसके बाद इन्होंने लोगों को मारना तक चालू कर दिया और इन्होंने इतने लोगों को मारा कि लोगों की इनके नाम से फटने लग गई। और इसी वजह से गवर्नमेंट की भी इनसे बहुत ज्यादा फटती है, जिस वजह से डेविड को जेल में होने के बावजूद भी हर एक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जिसकी उसे जरूरत होती है। और अपनी इसी पावर के चलते उसने अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को ही उस जगह पर बंद करवा कर रखा हुआ है।
अब आगे ये अननोन आदमी टाइलर को 6 हफ्तों का वक्त देकर यहाँ से चला जाता है। तब हम लोग जान पाते हैं कि 6 हफ्तों बाद ये लोग टाइलर को उसी जेल में भेजने वाले हैं जिसमें डेविड है। यहाँ पर से टाइलर केट और उसके बच्चों को बाहर निकाल कर लाएगा और उसके बाद वो लोग उन्हें सेव कर लेंगे। इस अननोन बंदे के जाने के बाद यहाँ पर टाइलर सबसे पहला फोन निक को करता है और उसे बताता है कि उसे एक मिशन मिला है, पर वो यहाँ पर निक को ये नहीं बताता कि वो मिशन उसे मियाँ की वजह से मिला है। अब अभी यहाँ पर निक इसे कोई भी मिशन करने से मना कर रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि टाइलर की हालत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, पर टाइलर उसकी बात को नहीं सुनता और अब वो उसे बताकर कि वो मिशन पर जाने वाला है वो अपनी ट्रेनिंग को चालू कर देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि इसी तरह 6 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद निक और उसकी टीम मतलब कि टाइलर और याज यहाँ पर से निकलते हैं जॉर्जिया की तरफ ताकि वो जल्दी से जल्दी उस जेल तक पहुँच सके जहाँ पर डेविड बंद है, क्योंकि निक कभी भी टाइलर का साथ नहीं छोड़ने वाली। इसी वजह से वो टाइलर की मदद करने के लिए उसके साथ आ गई है। वो अननोन बंदा क्योंकि सच में गवर्नमेंट की तरफ से था तो इसी वजह से यहाँ पर काफी सारे वार्डन भी उसके कब्जे में थे, तो यहाँ पर वो टाइलर को तुरंत ही अंदर भिजवा देता है। लेकिन टाइलर के पास सिर्फ 5 मिनट का समय था, उसे 5 मिनट में ही केट और उसके बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना था। यहाँ पर सारे कैदी सो रहे थे क्योंकि रात का समय था। अब टाइलर यहाँ पर बिना कोई गलती करे तुरंत ही केट और उसके बच्चों के सेल के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर से वो तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से नीना के हाथ से उसका खिलौना गिर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो गया था। तब यहाँ पर काफी सारे कैदी जग जाते हैं और वो तुरंत ही बाहर आकर टाइलर के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि टाइलर जानता था कि ये जॉर्जिया का सबसे बड़ा जेल है और साथ ही यहाँ पर नॉर्मल कैदी नहीं आते, तो इसी वजह से वो यहाँ पर एक भी कैदी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। ये धड़ाधड़ सभी कैदियों को यहाँ पर मारता जा रहा होता है, जिस वजह से सभी कैदी इससे थोड़ा बहुत घबराने लग गए थे। तब यहाँ पर मौका पाते ही टाइलर केट और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। कि वार्डन ने जेल की बत्ती बंद करी हुई थी ताकि कोई भी बंदा टाइलर को ना देख सके, तो इसी वजह से वहाँ पर काफी सारे कैदी पागल हो जाते हैं और वो सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई थी, जिस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग वेंटिलेशन पाइप के थ्रू यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब गेट से बाहर निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इन वेंटिलेशन पाइप के पास भी सेम ही सीन था, वहाँ पर भी काफी सारी कैदी लड़ रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर टाइलर को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और इतने में ही यहाँ पर डेविड भी पहुँच जाता है। यहाँ पर डेविड और टाइलर की लड़ाई होने लगती है, जिसमें टाइलर जीत जाता है और यहाँ पर डेविड की मृत्यु हो गई थी। इसको देखने के बाद सैंडो को काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने पिता को एक बहुत अच्छा पिता मानता था। पर यहाँ पर टाइलर सबसे पहले केट और सभी बच्चों को लेकर बाहर निकलता है, जहाँ पर निक और उसका भाई इन लोगों का इंतजार कर रहा था कि ये लोग जैसे ही बाहर निकले वैसे ही ये लोग इनकी मदद करने के लिए पहुँच सके। और अब ये लोग यहाँ पर तुरंत ही गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठे थे तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि अब तक जोराब के पास भी अपने भाई के मौत की खबर पहुँच गई थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने भाई से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपने सारे गुंडों को इन लोगों के पीछे लगा दिया था ताकि ये लोग कहीं से भी भाग ना पाए। आगे हम लोग टाइलर निक और उसकी पूरी टीम को देख पाते हैं। ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशानी में थे क्योंकि इनके पीछे काफी सारे लोग लगे हुए थे। इसी वजह से ये डिसाइड करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जॉर्जिया से निकल जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड करा हुआ था कि ये एक गाड़ी में जाएंगे और उसके बाद ये लोग एक ट्रेन में चढ़ेंगे। इसी वजह से ये तुरंत ही ट्रेन के अंदर चढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी भी जोर आपके सारे भेजे हुए गुंडे इनके पीछे लगे हुए थे और ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये लोग उनसे पीछा कैसे छोड़ाए। आगे ट्रेन भी चलना चालू कर देती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उन लोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसी वजह से यहाँ पर टाइलर बाहर जाता है और उसके बाद ये सभी हेलीकॉप्टर के ऊपर गन से फायर करना चालू कर देता है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर इधर उधर के सभी लोगों को गोलियों से भूनता चला जाता है। और यहाँ पर अब काफी सारे हेलीकॉप्टर में से काफी सारे लोग इस ट्रेन पर भी उतर गए थे, जिनसे तुरंत ही निक लड़ाई करने लगती है। और हम लोग देख पाते हैं कि निक भी लड़ाई करने में बहुत ज्यादा माहिर है, वो चुटकियों में ही इन सभी लोगों को मार देती है, पर ये भी थोड़ा बहुत घायल हो चुकी थी। पर एट लास्ट यहाँ पर टाइलर और निक मिलकर सभी लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद जब ये ट्रेन रोकने के लिए जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है। ये चीज जानने के बाद टाइलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गया था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर एक दिमाग लगाता है, वो सभी लोगों को पास में पड़ी रस्सियों से बांध देता है, जिसके बाद इस ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें ये लोग काफी ज्यादा घायल हो गए थे। आगे हम लोग देख पाते हैं कि डेविड के बेटे को डेविड की मौत की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे लग रहा था कि शायद इसके पिता को किसी और ने नहीं बल्कि टाइलर ने ही मारा है, तो इसी वजह से ये टाइलर को भी मारने लगता है।
तब यहाँ पर केट इसे संभालने की कोशिश करती है और इससे बोलती है कि तुम्हारे पिता सच में बहुत ज्यादा बुरे थे, लेकिन ये बात इसके बेटे को समझ में नहीं आ रही थी। वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि टाइलर को मान रहा था। अब यहाँ पर टाइलर डेविड के बेटे को समझाने की कोशिश करने लगता है और इसके बाद ये लोग एक प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब वहीं हम लोग जोराब को देख पाते हैं जो कि डेविड की लाश के सामने बैठा हुआ था और ये सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करा करता था। अब डेविड की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हालत में टाइलर को मारना चाहता था, भले ही उसमें इसकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। बस इसी वजह से ही अपने सभी गुंडों को वापस से टाइलर के पीछे लगा देता है और वो चाहता था कि वो कहीं से भी टाइलर को ढूंढ सके। और अब ये इसके बाद अपने भाई के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करने लगता है, जो चीजें इसे सच में बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती हैं। अब आगे प्लेन में हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर और केट आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन दोनों की बातों की मदद से निक को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जो केट है वो मियाँ की बहन है। इस बात को सुनने के बाद ये थोड़ा अजीब फील करने लगती है, क्योंकि टाइलर को शायद इसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, और अगर वो इसे पहले बताता तो शायद ये और ज्यादा अच्छे से इसकी मदद कर पाती। अब क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे तो इनकी बहसबाजी ज्यादा देर तक नहीं चलती, लेकिन हम लोग सैंड्रो को देख पाते हैं जो कि बाथरूम में जाता है और वहां से ये तुरंत ही जोराब को कॉल कर अपनी लोकेशन बता देता है कि ये लोग ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पर जोराब इसे वापस से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहां पर इसने इसे वो भी लोकेशन दे दी थी कि कौन से होटल में ये लोग जाने वाले थे। अब इस बात को जानने के बाद जोराब तुरंत ही ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग एक होटल में रुकते हैं। अब केट और उसकी फैमिली को कुछ समय तक इसी जगह पर रहना था, क्योंकि अगर इन लोगों के नए पासपोर्ट नहीं बनते तो ये लोग किसी और कंट्री में शांति से नहीं रह पाते। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि निक वापस से टाइलर के पास जाती है और इसे बोलती है कि शायद तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये मिशन मियाँ की तरफ से तुम्हारे पास आया है और इसी वजह से तुम इस मिशन को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो। टाइलर इस बात पर इसे कोई जवाब नहीं देता, इस वजह से निक वापस से अंदर चली जाती है जहां पर ये नीना के पास पहुंची थी। तब ये केट से बात करती हुई उसे बोलने लगती है कि इसकी पास्ट लाइफ में इसके साथ भी ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुए हैं, इसी वजह से वो समझती है कि कैसा लगता है। और वहीं हम लोग टाइलर को देख पाते हैं जो कि सैंड्रो के पास था, पर यहाँ पर सैंड्रो अभी भी इसे बुरा भला बोले जा रहा था। इस बात को सुनने के बाद टाइलर इसे बोलता है कि मैंने सही करा जो तुम्हारे पिता को मार दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता। पर ये बात अभी सैंड्रो को समझ में नहीं आ रही होती, इसी वजह से टाइलर इसे यहाँ से बुरा भला बोलकर चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद टाइलर को इस चीज का एहसास होता है कि शायद अभी सैंड्रो ना समझ है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो उसे समझाने जाता है और बताता है कि फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सच बताऊं तो मेरा भी एक टाइम पर एक बेटा हुआ करता था जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर तभी अचानक से उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई भी इलाज नहीं था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने इस तरह से मरता हुआ कभी भी नहीं देख सकता था, तो इसी वजह से मैं अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया, और इसी चीज का रिग्रेट मुझे अब तक बहुत ज्यादा होता है। इस बात को सुनने के बाद सैंड्रो के दिमाग की थोड़ी सी बत्ती खुलती है और उसे समझ में आता है कि टाइलर सच में बुरा इंसान नहीं है। और अब इसी वजह से सैंड्रो इसे वो बात भी बता देता है कि इसने जोराब को यहाँ की लोकेशन दे दी है, पर अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तभी टाइलर देखता है कि सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। टाइलर जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है और ये निक को पूरी बात बताता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत ही अपने आप को आर्म कर नीचे की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अब ये लोग गाड़ियों को लेकर यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन इतने में ही हर जगह जोराब के आदमी पहुंच जाते हैं जो कि इनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं। तब हम लोग सैंड्रो को देख पाते हैं जो कि गाड़ी से निकलकर वापस से जोराब की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद भी सही है। तब यस सैंड्रो को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और वहां पर वो उन सभी लोगों से मिलकर लड़ने लगता है, और साथ ही निक भी यहां पर इसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। पर ये दोनों इस चीज में बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, पर ये लोग अभी सैंड्रो को नहीं बचा पाए थे। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग वापस से सभी लोगों से लड़ने लगते हैं, और वहीं हम लोग टाइलर को देख पाते हैं जो कि उन सभी लोगों को मारे जा रहा था जो भी इसके सामने आ रहे थे। वे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर हर जगह जोराब के आदमी थे जो कि इन लोगों की जान के दुश्मन बने हुए थे, और इसी वजह से अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग घर के अंदर ही उन लोगों से लड़ाई करेंगे। इसी वजह से ये वापस से घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर टाइलर और निक मिलकर एक एक कर सभी लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों ने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिए हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को फोड़कर यहाँ से निकल सकें। अब ये लोग पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पर इनके लिए हेलीकॉप्टर आने वाला था, मतलब कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर। लेकिन इतने में ही यहाँ पर जोराब भी पहुँच गया था, और यहाँ पर इतनी कमाल की लड़ाई होती है, और कमाल की लड़ाई के दौरान ही यहाँ पर एक सीन ऐसा आता है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि निक एक आदमी से लड़ते हुए बेहोश हो गई है, और अब वो उस बिल्डिंग के नीचे गिरने ही वाली है कि तभी यहाँ पर टाइलर पहुंच जाता है जो कि एन वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर ये सब जोराब ने भी देख लिया था, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ पर आकर टाइलर के हाथ पर गोली मार देता है। पर टाइलर हार नहीं मानता और वो अभी भी उस कोने को पकड़ कर रखे हुआ था ताकि वो निक की जान को बचा सके। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जोराब वापस से इनके ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर निक की आँख खुल जाती है,
जो कि सीधा उस कांच पर गोली चलाती है जिसके ऊपर जोराब खड़ा हुआ था। तब यहाँ पर जोराब भी बिल्डिंग से लटक जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मौका पाते ही टाइलर वापस से निक को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है। यहाँ पर निक भी टाइम ना गवाती हुई तुरंत ही केट के पास पहुँचती है और अब वो यहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोगों को मार देती है ताकि वो केट की जान को बचा सके। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जोराब अभी भी जिंदा था। वो यहाँ पर नीचे गिर गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद ये सभी लोग इन लोगों को ऐसी ही हालत में छोड़कर यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर जब ये सभी लोग छत के ऊपर होते हैं तभी यहाँ पर जोराब पहुँच जाता है जो कि यैस के ऊपर बहुत सारी गोलियाँ चलाता है। तब यहाँ पर यैस बहुत ज़्यादा घायल हो गया था लेकिन टाइलर किसी भी तरह से उसको उठाता है और वापस से हेलीकॉप्टर में रखकर यहाँ से चला जाता है। फिर बाद हम लोग देख पाते हैं क्योंकि यैस बहुत ज़्यादा घायल था तो इसी वजह से वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इस चीज़ को देखने के बाद निक बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी क्योंकि यैस के अलावा इस दुनिया में निक का कोई और नहीं था। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग उसी कॉटेज में पहुंचते हैं जहां पर टाइलर रहा करता था। अब उस जगह पर पहुंचने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि निक अभी भी यैस की लाश के सामने बैठी हुई है और वो काफी ज्यादा रो रही है। तब टाइलर इसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी इसकी नजर बाहर पड़ती है जहां पर कोई आया था। अब जब टाइलर यहां पर बाहर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि बाहर मियां आई हुई है जो कि इसकी वाइफ है। पर यहां पर मियां इससे कोई भी बात नहीं करती क्योंकि टाइलर ने इसके परिवार को छोड़ दिया था। टाइलर भी इससे कोई भी बात नहीं करता। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि मियां वापस से अपनी बहन के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। तब ये दोनों काफी देर तक बात करती हैं और उससे बात करने के थोड़ी देर बाद वो टाइलर के पास आती है। आखिरकार वो उस सवाल को पूछती है जो कि काफी समय से वो पूछना चाहती थी कि टाइलर ने इन लोगों को क्यों छोड़ा। तब यहाँ पर टाइलर इस बात का खुलासा करता है कि वो अपने बेटे को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता था। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था पर क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं था तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा डरने लगा और वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। बस इसी वजह से वो वहाँ से भाग गया। इस बात को सुनने के बाद मियां थोड़ा इमोशनल होती है पर वो समझ जाती है कि आखिरकार टाइलर ने ऐसा क्यों करा था। अभी हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर के पास जोराब का कॉल आता है जो कि इसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है क्योंकि वो किसी भी हालत में टाइलर को मारना चाहता था। क्योंकि यैस की मौत की वजह से टाइलर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा जहां पर जोराब इसे बुला रहा है। अब यहां पर टाइलर अपनी पूरी तैयारी करने लगता है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, जिसके बाद ये अपने पास तरह तरह के हथियारों को रख लेता है और इसके पास जितनी भी बंदूक मौजूद होती हैं वो उन सभी को लेकर जाने लगता है। तब निक भी इसके साथ जाने की कोशिश करती है पर यहाँ पर टाइलर इसे बोलते हैं कि शायद जोराब का ये कोई प्लान हो सकता है, इसी वजह से तुम्हें बाकी सारे लोगों के साथ रुककर उनकी रक्षा करनी चाहिए। तब निक भी इस चीज पर एग्री करती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर पहुंच गया है उसी जगह पर जहां पर जोराब का इससे आमना सामना होने वाला है। वहां पहुंचते ही टाइलर सब पर ओपन फायर कर देता है और कुछ ही देर में यहां पर लाशों के ढेर पड़े होते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग देख पाते हैं कि टाइलर ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया है और यहाँ पर अब वो बढ़ता है जोराब की तरफ। आगे शुरू होता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि जोराब अब टाइलर से बचकर भाग रहा है। अब वो चर्च के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसने सैंड्रो को भी पकड़ कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर जोराब ने सैंड्रो को एक बॉम्ब पहनाया हुआ था और इसी वजह से वो टाइलर को अपनी गन नीचे करने को बोलने लगता है और तब टाइलर को भी ऐसा करना पड़ता है। वो जैसे ही अपनी गन नीचे करता है वैसे ही जोराब एक गन उठाकर सैंड्रो को देता है और बोलता है कि टाइलर ने ही तुम्हारे पिता को मारा है, इसी वजह से इसे जान से मार दो। पहले तो सैंड्रो को इसकी बात सही लग रही थी इसी वजह से वो ऐसा करने वाला था, पर तभी उसे टाइलर की सभी बातें याद आती हैं और उसे पता चलता है कि टाइलर कोई भी बुरा इंसान नहीं है बल्कि जोराब बहुत बुरा इंसान है और बस इसी वजह से वो रुक जाता है। और इतने में ही यहाँ पर निक भी पहुंच जाती है जिसने जोराब को गन पॉइंट पर ले लिया था। ये चीज देखते हुए तुरंत ही जोराब सैंड्रो को गन पॉइंट पर ले लेता है और निक को अपनी गन नीचे करने को बोलता है। मजबूरन निक को भी ये चीज करनी पड़ती है जिसके तुरंत बाद हम लोग देख पाते हैं कि जोराब ने निक को शूट कर दिया है और वो यहाँ से अब भागने की कोशिश कर रहा है। ये चीज देखते हुए टाइलर सबसे पहले तो जोराब को पकड़ता है और इसके बाद वो जोराब की बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, जिसके बाद एट लास्ट वो उसे गोली मारकर मार देता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि निक बहुत बुरी तरह से घायल थी और इसके पास सैंड्रो बैठा हुआ था, लेकिन इतने में ही यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जो कि अब निक और टाइलर दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है कुछ दिन आगे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि निक तो हॉस्पिटल में है और साथ ही टाइलर को जेल में बंद कर रखा हुआ है। तब यहाँ पर इसके पास मियां मिलने के लिए आती है। यहाँ पर मियां टाइलर को बताती है कि केट सेफली एक दूसरी कंट्री में पहुंच गई है और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश है। इस चीज को जानने के बाद टाइलर को काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसका एक और मिशन सक्सेसफुल हो गया था। तब वो यहाँ पर केट के बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए मियां को बताता है कि जिस कॉटेज में हम लोग रुके हुए थे वहां पर एक सेफ है, वहां पर कुछ डॉलर्स हैं, तुम वो डॉलर निकाल कर केट को दे देना।
इस चीज़ को सुनने के बाद मियाँ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे समझ में आता है कि टाइलर अभी भी उसी तरह का इंसान है जैसा वो पहले हुआ करता था, बस वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। जिसके बाद ये दोनों अपने बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं, जो चीज़ इन दोनों को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं जो कि टाइलर को अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगते हैं, पर यहाँ पर वो उसे किसी जेल में लेकर नहीं आए थे बल्कि एक खुले मैदान में लेकर आए थे, जहाँ पर वही आदमी खड़ा था जिसको मिया ने टाइलर के पास भेजा हुआ था और यहाँ पर इसने टाइलर को फ्री करवा दिया था, जो कि टाइलर से बोलता है कि मैंने तुम्हें जेल से आजाद करवा दिया है पर बदले में तुम्हें मेरा एक और मिशन पूरा करना होगा। तब इस पर टाइलर इसे बोलता है कि मैं अकेले काम नहीं करता, मतलब कि इनडायरेक्टली वो निक को छुड़वाने की भी बात कर रहा था, पर क्योंकि वो आदमी पहले से ही जानता था कि टाइलर निक को भी छुड़वाने की बात करेगा, इसी वजह से उसने पहले ही निक को छुड़वा दिया था। इस चीज को देखते हुए टाइलर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो इस आदमी के नए मिशन के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो।